हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगमीत आज आपके लिए लेकर आए हैं कि 206 गज में बिल्टअप ईस्ट फेसिंग हाउस सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में कंप्लीट 4 BHK विद माउंटिंग घर रहने वाला है। दोस्तों सारा ही फ्रंट एलिवेशन आप इसका देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तैयार किया गया है। प्रॉपर फ्रंट एलिवेशन में सारा ही टाइल वर्क और काफ़ी सुंदर लाइटनिंग देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं सारा ही। दोस्तों स्लाइडर इसमें गेट मिल जाता है, जो इसका मेन गेट रहेगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसके पिलर्स के ऊपर भी टाइल्स लगा के फिनिशिंग की गई है दोस्तों। और घर एंटर करते ही हमारे पास आ जाती है 2 बड़ी गाड़ियों की कार पार्किंग एरिया। ये आप सारा ही पार्किंग एरिया देख सकते हैं, प्रॉपर ग्रेनाइट लगाया गया है, और ये सामने वेलकम वॉल भी काफ़ी सुंदर डेकोरेट की गई है। ये सारा ही टाइल्स लगाई गई है और ये वुडन डिज़ाइंस दिए गए हैं। स्टेयर्स इस घर में भी आपको बाहर से मिलेगी दोस्तों, और स्टेयर्स के नीचे भी काफ़ी अच्छी प्रोविज़न दी गई है। और ये आप इसका मेन डोर देख सकते हैं, काफ़ी हैवी पॉलिश वाला हमको डोर मिल रहा है, 8 फिट हाइट का जाली का दरवाज़ा और दोनों लक्कड़ का दरवाज़ा आपको इसमें मिल रहा है। घर एंटर करते ही दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है राइट हैंड साइड में, और काफ़ी सुंदर डाउन सीलिंग मिल रही है हमको देखने में। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी जो इसमें झूमर भी लगाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें डाउन सीलिंग भी काफ़ी हैवी रहने वाली है इसमें वुडन डिज़ाइंस के साथ। और ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वुडन पार्टीशन इसमें की गई है, और प्रॉपर वॉल पेपर मिल रहा है इसमें हमको बैक वॉल पर देख सकते हैं। प्रोफाइल लाइट भी लगाई गई है डाउन सीलिंग के अंदर। ये सारा ही घर जो आप देख रहे हैं सर वीडियो में देख रहे हैं, ये सारा ही आपको एज इट इज़ मिल रहा है दोस्तों, डिलीवर किया जा रहा है। ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया जो कि काफ़ी स्पेशियस था आप देख सकते हैं, और बिल्कुल डाइनिंग एरिया के सामने की तरफ हमारा किचन एरिया देख सकते हैं आप। ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर वुडन डिज़ाइंस के साथ ये आप डेकोरेशन की गई है वॉल के ऊपर भी। और ये सामने की तरफ आ जाएगा हमारा पूजा रूम, ये आप देख सकते हैं पूजा रूम में भी हमको प्रॉपर एक मंदिर टाइप इसमें बना के दिया गया है। और इसी के साथ में हमारा आ जाता है मॉड्यूलर किचन एरिया, ये आप देख सकते हैं सारा ही किचन इसमें, जिसमें काफ़ी हैवी वुडन वर्क देखने को मिल रहा है। काफ़ी कैबिनेट्स मिल रहे हैं इसमें, जिसमें सारा ही आपको सॉफ्ट क्लोजर इनोटेक यूज़ किया गया है सारे ही कैबिनेट्स के अंदर। आप इसका ग्रेनाइट टॉप भी देख सकते हैं, ऑफ वाइट कलर में रहता है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है किचन के अंदर। और चलते हैं इसके बेडरूम में दोस्तों, जो बेडरूम का भी इसमें साइज़ रहेगा दोस्तों वो रहेगा 14 फिट बाय 17 फुट का इसका बेडरूम का साइज, वो भी 14 बाय 16 का बेडरूम का साइज़ रहेगा इसमें। रूफ हाइट कपबोर्ड्स मिल जाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं स्लाइडर कपबोर्ड्स, एक बड़ा LED पैनल मिल रहा है काफ़ी सुंदर डिज़ाइन के साथ। प्रॉपर डाउन सीलिंग देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ दी गई है इसमें। और इसकी के साथ में हमारा आ जाता है अटैच वॉशरूम, वॉशरूम में भी जितनी सैनिटरी फिटिंग्स दी जा रही है वो सारी ही जैगुआर ब्रांड की रहेगी दोस्तों। और रूफ हाइट तक टाइल्स देखने को मिल रही है वॉशरूम में भी, और डाउन सीलिंग भी मिल रही है वॉशरूम के अंदर। और बैक साइड आ जाएगा इसका वॉशिंग एरिया, जितने भी इसमें डोर्स दिए गए हैं वो सारे ही हैवी वुडन डोर्स रहेंगे दोस्तों, पॉलिश डोर्स, प्रॉपर वुडन डोर इसमें मिल रहे हैं। और ये आ जाएगा इसका बैक साइड का वॉशिंग एरिया, जिसमें प्रॉपर टाइल वर्क मिल रही है तीनों तरफ आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप बैक साइड से इसका वॉशिंग एरिया, और स्प्लिट AC की जो वायरिंग की गई है वो भी इसमें सारी मिल रही है हमको। तो ये था इसका पहला बेडरूम, चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में दोस्तों। सेकंड बेडरूम का भी जो साइज़ रहने वाला है सेम टू सेम 14 फिट बाय 16 फिट का रहेगा। प्रॉपर डाउन सीलिंग देखने को मिल रही है, बैक वॉल पे वॉलपेपर आ जाता है आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लैंप्स भी लगाए गए हैं। और ये सामने LED पैनल आ जाता है, LED पैनल के अंदर भी आपको प्रोफाइल लाइट्स मिल रही है। ये जितना भी आप घर देख रहे हैं, जितनी इसमें लाइटनिंग की गई है, झूमर लगा है, लाइट्स लगी है, वो सारी ही आपको इसमें एज इट इज़ दी जा रही है दोस्तों। ये एक्चुअल घर है जो हम आपको डिलीवर करेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, जो दिख रहा है सेम टू सेम आपको वैसे ही घर में दिया जाएगा। और ये आ जाएगा इसका सेकंड बेडरूम का वॉशरूम, प्रॉपर रूफ हाइट तक टाइल्स मिल रही है, वॉल हैंगिंग सीट्स आ जाती है। तो ये था इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का एरिया, चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। सेक्टर 125 में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों, प्रॉपर रेडी टू मूव ये घर है, 206 गज में ये घर रहने वाला है। 31 फुट का इसका फ्रंट है और 60 फुट की इसकी लेंथ आ जाती है। ईस्ट फेसिंग का ये घर है,
जो इसका प्राइस है दोस्तों वो हम वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताएंगे। और ये आ जाएगा इसका फर्स्ट फ्लोर का बालकनी एरिया, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी स्पेशियस रहने वाली है। ये सामने वॉल पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें पीवीसी डिज़ाइंस के साथ, वुडन डिज़ाइंस के साथ इसमें काम किया गया है। और ये सामने वॉल पे भी टाइल लगाई गई है और साथ ही में वुडन डिज़ाइन दिए गए हैं। और सेकेंड फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्री पर भी आपको प्रॉपर जाली का डोर और ये एक मेन हैवी वुडन डोर मिल रहा है। और एंटर करते ही सेम टू सेम हमको पोर्शन फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल जाता है प्रॉपर सेम वुडन वर्क के साथ। प्रॉपर झूमर आप देख सकते हैं इसे लगाया गया है। ये आपकी ड्राइंग डाइनिंग में पार्टीशन भी मिल रही है सेम टू सेम एज इट इज़। आपका ग्राउंड फ्लोर वाला काम फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल रहा है दोस्तों। ये आप देखिए बहुत ही सुंदर डाउन सीलिंग के डिज़ाइंस मिल रहे हैं हमको फर्स्ट फ्लोर पर भी। स्प्लिट एसी की प्रोविज़न भी दी गई है सभी ही रूम्स में ड्राइंग डाइनिंग में। और प्रॉपर प्राइवेसी का ध्यान भी रखा गया है इसके ड्राइंग रूम के लिए आप देख सकते हैं। और सामने आपका आ जाता है मॉड्यूलर किचन, उसी के साथ में हमें पूजा रूम भी दिया गया है। प्रॉपर हैवी वुडन वर्क किया गया है पूरे ही घर के अंदर। किचन में भी देख सकते हैं अब दो मॉड्यूलर किचन आपको इस घर के अंदर मिल रही है, एक ग्राउंड फ्लोर पर एक फर्स्ट फ्लोर पर। और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये काम किया गया है दोस्तों। और सेक्टर 125 की ये प्रॉपर्टी रहने वाली है सनी इनक्लेव के अंदर। अगर आप इसकी विज़िट भी करना चाहते हैं इस घर की तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ये आ जाएगा इसका थर्ड बेडरूम, आप देख सकते हैं थर्ड बेडरूम में भी प्रॉपर एलईडी पैनल मिल रहा है, रूफ हाइट कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, डाउन सीलिंग मिल रही है। और ये अटैच वॉशरूम आ जाएगा, वॉशरूम में भी प्रॉपर रूफ हाइट तक टाइल्स लगाई गई है। और वॉल हैंगिंग शीट्स आपको इसमें मिल जाती है दोस्तों, डाउन सीलिंग भी मिल रही है वॉशरूम्स के अंदर भी आपको। और बैक साइड इसका फर्स्ट फ्लोर का आ जाएगा वॉशिंग एरिया, सामने टैप की प्रोविज़न दी गई है, वहाँ पे आपकी आराम से मशीन सेटअप हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम में। कंप्लीट डबल स्टोरी ये हाउस रहने वाला है, कंप्लीट डबल स्टोरी विद मॉन्टी, 2 BHK, 2 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग, एक पूजा रूम, मॉड्यूलर किचन आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा है और सेम टू सेम पोर्शन आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल रहा है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है दोस्तों 206 गज में के घर। अगर आप इसकी विज़िट करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जो इसकी डिमांड है दोस्तों वो रहेगी 1,70,00,000 की डिमांड है इसकी। अगर आपको इस घर की वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ऐसी और प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके बताएं आपको ये घर कैसा लगा। इसकी विज़िट के लिए डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।